सभी कलीसिया के लोगों को गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। और हम इस सुबह प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु ने हमें एक और नया दिन दिया है, और हम धन्यवाद के साथ आज के दिन को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। और जिस तरीके से हम हर रोज़ प्रभु के चरित्र के बारे में देख रहे हैं, सीख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उसी तरीके से आज हम प्रभु यीशु के एक और चरित्र पे मनन करेंगे, जो कि चरित्र है दीन। जी हाँ, आज हम दीन के ऊपर बात करेंगे, जो कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ दीन है। और दीनता हम सबके मस्तिष्क का एक व्यवहार है, और ये निठुरता और कलह विरोधी होती है। दीनता अपना प्रकटीकरण दूसरों के प्रति कोमलता और स्नेह के द्वारा करती है। अगर यदि हम इस समय मत्ती वचन वर्ष 11 के 29 में जाएंगे, तो वहाँ पे हमें साफ साफ देखने को मिलता है, उसमें लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे। इस तरीके से हम इस वर्ष से देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसमें स्वयं को दीन कह रहे हैं। और साथ ही साथ यदि हम दूसरा तीमोथियस देखते हैं, दूसरा तीमोथियस 2:24-25 देखते हैं, तो उसमें भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं, वरन सब पर दया करने वाला, योग्य शिक्षक, सहनशील और विरोधियों को नम्रता से समझाने वाला होना चाहिए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें पश्चाताप का मन दे कि वे सत्य को पहचाने। सो इस वर्ष से हम सीख सकते हैं कि हमें झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमलता और शिक्षा में निपुण और सहनशीलता योग्य होना चाहिए। और बाइबल हमें कहती है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही हम सब का, कलीसिया के हर एक सदस्य का होना चाहिए। और आइए हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की पवित्रता, प्रेम, करुणा, दीनता को सिर्फ उसको हम कॉपी ही ना करें, वरन उसको पूर्णता उत्पन्न भी करे। यीशु के समान होना भारी नहीं, परंतु हमारे भीतरी, हमारे मन के अंदर भीतरी तौर पे शुद्ध, सत्यवादी, सहनशील होना भी चाहिए, जैसे कि प्रभु यीशु स्वयं है। और जब हम स्वयं को समर्पित कर देते हैं, जब हम खुद को यीशु को समर्पित कर देते हैं, तो यीशु मसीह हम सबसे, कलीसिया से ये चाहते हैं कि हम भी अपने अंगों को पवित्रता के लिए, धर्म के कामों को प्रभु को सौंप दें। सो आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, इस समय एक मन होके कि प्रभु आप हमें भी दीन बनाए, हमें भी दूसरों को क्षमा करने वाला बनाए। आइए हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि सच में प्रभु जी आप कितने अच्छे हैं, आप कितने वफादार हैं पिता, आप कितने प्रेमी हैं पिता। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु आपके जैसे चरित्र प्रभु जी हमने कहीं और नहीं देखा, किसी और में नहीं देखा। प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता कि आप माफ़ी देने वाले खुदा हैं, आप प्रेम करने वाले खुदा हैं, और प्रभु आप कभी ना छोड़ने वाले खुदा हैं। प्रभु, आप दीन हैं प्रभु जी। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता इस सुबह, इस घड़ी की प्रभु जी हम आपके करीब आ पाए इस समय। और प्रभु, आपसे प्रभु जी एकजुट होके, कलीसिया एकजुट होके प्रभु जी अब आपके चरित्रों को प्रभु हम अपने अंदर देखने की प्रभु जी आपसे अनुमति मांगते हैं पिता। प्रभु, हमारा शरीर, हमारे प्रभु, हमारी दिनचर्या प्रभु आपको भाने वाली हो पाए पिता। हम दूसरों से प्रेम करने वाले हों पिता, हम दूसरों की गलतियों पर नहीं लेकिन प्रभु जी उनकी गलतियों को माफ़ करने वाले हों पिता। पिता, हमें आपके जैसे स्वरूप में ढलने में, बनने में प्रभु जी
कलीसिया के हर एक इंसान की प्रभु, कलीसिया के छोटे से लेके बड़े तक, बच्चों की प्रभु, हर एक की प्रभु आप मदद करें। प्रभु हम आप में, हम आपके जैसा ढलना चाहते हैं प्रभु। यदि हम आपके जैसे होंगे तो प्रभु लोग हमसे पूछेंगे, जब लोग हमसे पूछेंगे तो प्रभु लोग आपको जान पाएंगे कि प्रभु जी इतना सुंदर और इतना अच्छे दिल वाला प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। प्रभु आज के पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए फिर से प्रभु। छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगकर पा लेते हैं, आमीन। कलीसिया को जय मसीह की। धन्यवाद।